रोडवेज परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है, जिसके तहत आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा की तरफ से पलवल के बस डिपो में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग की 11 यूनियनों ने भाग लिया। बैठक में यह फैसला लिया गया कि वो सरकार के खिलाफ आगामी 28 मार्च व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। इस अवसर पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। चालक संघ के राज्य प्रधान किरसन काद्यान ने बताया कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा की तरफ से रोडवेज की सभी यूनियनों को एकत्रित करने के लिए यह बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि आगामी 21 फरवरी को रोहतक में विभाग की सभी यूनियनों की एक बैठक होनी है, जिसमें यूनियन द्वारा आगे की रणनीति के लिए चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, सरकार के खिलाफ रोडवेज विभाग की सभी यूनियनों के कर्मचारी एक साथ मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे और आगामी 28 व 29 मार्च को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी सभी कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा, परिवहन विभाग बसों की कमी के चलते आए दिन घाटे में जा रहा है। सरकार को केवल झूठी घोषणाएं करनी आती हैं। परिवहन विभाग को घाटे से उभारने के लिए सरकार घोषणाओं की बजाय विभाग में नई बसें लाएं, विभाग में खाली पड़े पदों को भरें, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करें, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, जोखिम भत्ता दें, कैशलेस पॉलिसी लागू करें व निजीकरण पर रोक लगाएं सहित अन्य प्रमुख उनकी मांगे हैं, जिनको सरकार को पूरा करना चाहिए। बसों की कमी के चलते निजी वाहन चालक सवारियों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। जो आज मीटिंग थी, यह हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा की तरफ से मीटिंग थी, इसमें 11 यूनियन शामिल हैं और इसमें 29 तारीख को एक प्रोग्राम किया था, जिसमें 8 तारीख से 18 तारीख तक सभी 4 कमेटी बनाई गई थी इसमें स्टेट की, जो सभी डिपुओं में घूम रही हैं और सभी अपने यूनियनों को इकट्ठा कर रहे हैं आगे की रणनीति तैयार करने के लिए। 21 तारीख की जो मीटिंग है रोहतक में, उसमें रणनीति तय की जाएगी और अपनी मांगों के बारे में बातचीत, जो मांग पत्र दिया जाएगा लिखा जाएगा उसी दिन, और सभी साथियों को इकट्ठा करते हुए पूरे रोडवेज के कर्मचारी इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ेंगे। 28-29 तारीख की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और नया कोई आंदोलन जो होगा उसमें भी सारे कर्मचारी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। जितनी भी हमारी मांगे हैं, जितनी नई बसें आज तक नहीं आई है सरकार, ये अभी तक नई बस नहीं लाई, 809 बस कर रही है, रट्टा लगा रखा है, लेकिन जैसी आई खड़ी है तो उनका टेंडर नहीं हो रहा है। जब विभाग में बसें नहीं होंगी तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे, विभाग घाटे की तरफ जा रहा है। तो नई बसें आए, विभाग बचे, विभाग बचाने के लिए सारे कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं, ये हम मैसेज दे रहे हैं। प्रमुख मांगे हमारी हैं, इस विभाग को बचाने के लिए नई बसें लाना, एनपीएस का मुद्दा है, 28-29 को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे हम, उसमें हमारी जो पेंशन पाल लीक वो करवाए, पुरानी पेंशन पाल करवाना और निजीकरण को रोकना, ये तो 28-29 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बातें हैं। जो नया आंदोलन जो होगा उसमें हम राज्य स्तर की जो बातें हैं वो उसमें करेंगे, जैसे नई बसें लाना, 1992 से लेकर के 2002 तक के कर्मचारियों को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर करवाना, 2016 के चालकों को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पक्का करवाना, इसमें 22 उत्तरी कर, इसमें जो है वर्कशॉप में आज तक भर्ती नहीं हुई है, 92 के बाद नई भर्ती करवाना, टेक्निकल स्केल नहीं मिलता लोगों को, 10% आदमी रह रहे हैं उनको टेक्निकल स्केल दिलवाना, ये अपने जो कलर्क भाई हैं इनकी प्रमोशन ठीक समय पर ना होना, प्रमोशन का इतना लंबा इनका प्रक्रिया बना रखी है वो नहीं हो रही, चालकों की कोई प्रमोशन नहीं होती, चालकों की प्रमोशन करवाना, जोखिम भत्ता लोग को जैक के नीचे से मर रहा है, कोई मतलब एक्सीडेंट से मर रहा है चालक परिचालक, उनको जोखिम भत्ता नहीं दिया जाना। तो कैशलेस पॉलिसी, कैशलेस का जो मुद्दा है वो बहुत जरूरी है, सरकार दे भी रही है बाद में रिइंबर्समेंट कर रही है, लेकिन कर्मचारी के पास उस टाइम पर पैसे नहीं होते, क्यों नहीं सरकार मतलब कैशलेस की सुविधा देती, कैशलेस की सुविधा देना। तो ये हमारे कुछ मुख्य एजेंडे हैं, बाकी इनके ऊपर 21 तारीख को हम रोहतक में
निर्णय लेंगे, सारी यूनियन इकट्ठी होंगी, उसमें हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो मीटिंग हमने इसलिए की कि हम हरियाणा की जनता की जो ट्रांसपोर्ट संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो कैसे हल हों, क्योंकि हरियाणा की सरकार हरियाणा की जनता को परिवहन की उचित सुविधा देना ही नहीं चाहती। आज हरियाणा में यहाँ की आबादी के मुताबिक लगभग 19,000 प्लस बसें चाहिए, क्योंकि सरकार का पैमाना है कि 1,00,000 आबादी पर 60 बसें चाहिए, जबकि रोडवेज की हरियाणा में आज 2,900 के करीब बसें रहेगी। तो इसलिए ये हरियाणा की जनता को पूरी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करती। अगर ये 19,000 बसों का इंतजाम करते हैं तो कम से कम यहाँ पर 1,00,000 से ऊपर युवाओं को रोज़गार मिलेगा और लोगों को सुविधाएँ भी मिलेंगी। हमारी मांगे हैं, ये महकमा रहेगा तो हमारी मांगे भी रहेंगी। सरकार लगातार झूठ बोल रही है, हमारा परिवहन मंत्री तो पूरी तरह से झूठ बोलता है। पहले कहा 363 बसें आएंगी, फिर कहा 800-900 बसें आएंगी, आज कह दिया 1,300 बसें आएंगी। पहले परिवहन मंत्री ये बताएं कि वो 363 कहाँ हैं, वो 800-900 बसें कहाँ हैं। मतलब लगातार भ्रामक और गुमराह करने वाले बयान नहीं दिए जाना चाहिए, वही बात की जानी चाहिए ईमानदारी से कि जो हो रहा है वो हो नहीं रहा है। बयानबाजी करके, जुमलेबाजी करके ये नहीं चल सकता, ये जुमलेबाजी कर रहे हैं पूरी तरह से। और अब की बार कर्मचारी को कर्मचारी एक अलग देख के नहीं देखा जाना चाहिए, हम वोटर भी हैं, कहीं ये गलतफहमी में हो, हम कर्मचारी के अलावा वोटर भी हैं, और जो हम सत्ता में ला सकें सत्ता का बाहर का रास्ता भी दिखा सकें। इसलिए समझना चाहिए सरकार को, छोटी बात कहने में, कम कहने में ज़्यादा समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये लगातार जो कर्मचारियों पर हमले हैं, जो उनकी बातों की अनदेखी है, जनता के साथ त्रासदी है। त्योहारों के दिन इतनी बुरी हालत होती है कि कोई त्यौहार आ जाए, होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो या और कोई हो, जहाँ पर 100 रुपये का किराया है वहाँ 300 रुपये 400 रुपये लोगों पर लिए जाते हैं और प्राइवेट वाले लूटते हैं। हमने इस दिवाली में देखा कि यात्रियों को प्राइवेट लोगों ने थप्पड़ मारे, लेकिन वहाँ पर सरकार गायब थी। मतलब सरकार एक वेलफेयर स्टेट, मतलब कल्याणकारी राज्य की जगह थप्पड़ मारने वाली सरकार सत्ता में है। इसलिए हमने हरियाणा की जनता को अच्छी परिवहन सुविधा के लिए ये कन्वेंशन की, हमारा जो रोल है हम उसको बेटर करेंगे। हमारी तरफ से कोई गलती होगी, हमने इस पर भी चर्चा की कि हमारे लोग जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, इस पर भी चर्चा की। हमारे यूनियन एक साथ में एकजुट पर साझा संगठन समिति बनाई है, जिसमें 11 यूनियन हमारी एक साथ में लड़ाई लड़ने के तैयार है सरकार से। अब हो गई है सारी यूनियन एक, अब लेके सरकार को देख। मेरा ये कहना है कि हरियाणा राज्य परिवहन की जो सुविधा है उसको निजी हक में सौंपने के लिए एक पलवल फरीदाबाद के अंदर लेके आगरा, अलीगढ़, मथुरा प्राइवेट वाहनों का इतना आकंद मचा हुआ है। एक अगर हरियाणा रोडवेज का चालक परिचालक बाहर सवारी बिठाने के लिए चला जाए तो उनके साथ में प्राइवेट गाड़ी वाले झगड़ा करने में उतारू होते हैं, जो कि सरकार कहती है कि जनरल मैनेजर कहता है कि बुकिंग कम आ रही है। जनरल मैनेजर के बस स्टैंड के आगे से बाहर एक नया डिपो खड़ा हुआ है, वहां पर कोई गाड़ियों को रोकने वाला नहीं है। प्राइवेट गाड़ी बिल्कुल खड़ी होती है, जो पुलिस की देख रेख में पुलिस को पैसे दे के हो सकता है कि आरटीओ के भी पैसा ले रहा हो, क्यों ना उन गाड़ियों को बंद किया जाए जो हमारे बस स्टैंड के बिल्कुल बस स्टैंड की जो गेट है उसको घेर के खड़े होते हैं और पूरा आकत मच रहा है। मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी से, आरटीओ साहब से, वह जनरल मैनेजर साहब से, और मैं अपनी कमेटी को भी अवगत कराना चाहूँ, इस बात को बहुत जल्दी उतारू करें और ये कहें एक भाई कर्मचारी के ऊपर कोई चार्जशीट ना हो, ना परिचालक के ऊपर डीजल की खपत के ऊपर चालकों को रिकवरी दी जा रही है। वर्कशॉप के अंदर हमारे मिस्त्री नहीं है, जिनके कारण हमें बड़ी मोटी समस्या हो रहा है। तो मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा प्रेस के माध्यम से एक वो हमारी इस समस्या का समाधान करें, और बस स्टैंड से करीब 200 मीटर दूर कोई प्राइवेट गाड़ी लगे तो बाहर लगे, हमारे यहाँ बस स्टैंड के अंदर कोई गाड़ी ना लगने का कर सके। धन्यवाद। इसको लेकर किसी अधिकारी से मिलोगे? हमने बार बार लिखित में बार बार नोटिस दे रखा है और लिखित में भी कर रखी है, कंप्लेंट कर रखी है,
आज तक आरटीओ साहब की भी है और यहाँ पर जो कि प्रतिदिन 100-125 इको गाड़ी चलती है जो हमारी बसों में सवारी उतार ले जाती है। हमारा जो किराया है बल्लभगढ़ का 25 रुपये, होटल का 35 रुपये और जो प्राइवेट वाहन है वो 30 रुपये में ले जाते हैं, जिससे हमारी हानि हो रही है।